बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे नमकीन जलेबियाँ। आपने मीठी जलेबियाँ तो बहुत ज़्यादा खाई होंगी, लेकिन नमकीन जलेबियाँ कभी भी ट्राई नहीं की होंगी। चलें आएँ, आज हम नमकीन जलेबियाँ बनाएंगे। और यकीन माने, ये इतनी खस्ता और इतनी डिलीशियस बनती हैं, इसको खाने के बाद आप उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए अब इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर मैंने दो आलू लिए थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया था। जब हमारे आलू बॉईल हो जाएं, तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, हस्ब जरूरत नमक शामिल कर देंगे और 2 चुटकी येलो फूड कलर शामिल कर देंगे और चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे। देन हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल कर देंगे 1.5 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद हम इसके अंदर कोरिएंडर शामिल कर देंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे अच्छे से इसके डो बनाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी डो किस तरीके से बना ली है, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से बना लेनी है। माशाल्लाह, ये कितनी सेटिस्फाइंग लग रही है। अब यहाँ पर हम प्लास्टिक पॉलिथीन लेंगे, इसके अंदर हमने ये जो बैटर बनाया है ये शामिल कर देंगे। देन हम इसको कोने से थोड़ा सा काट लेंगे। अब हम इसकी जलेबियाँ बनाना स्टार्ट कर लेंगे। हम इसको उतना ही कट करेंगे जितनी हमें जलेबी की मोटाई चाहिए। इसी तरीके से 1 बाय 1 करके हम जलेबियाँ बनाना स्टार्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सेटिस्फाइंग सीन है। हम दोस्तों में जलेबियों को ब्राउन करेंगे। अगर हम इसे लाइट ब्राउन करेंगे तो बिल्कुल भी खस्ता और क्रंची नहीं बनेंगी। इनको क्रंची करने के लिए इन्हें ब्राउन करना ज़रूरी है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जलेबियाँ खाने के बाद आपके मुँह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलेगी, मज़ेदार। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी नमकीन जलेबियों के फाइनल लुक। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप तब तक इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि ये इतनी यम्मी इतनी खस्ता बनी है, जब तक आप इसको खुद ट्राई नहीं कर लेते। यकीन माने, जब आप इसे खुद ट्राई करेंगे तो आप भी कहेंगे वाह, मोडिस फूड ऑफिशियल वालों ने कितनी अच्छी रेसिपी बताई। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वीडियोस की नोटिफिकेशन की सूचना सबसे पहले आपको मिले। और जनाब, बेल आइकन को भी क्लिक कर दिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।